वो कहते हैं नमस्ते आदम सिंह काल में उसी है संकल्प कांस्टिया, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलता है पब्लिक, कुछ नया सीखने को तैयार है? देन लेट द गेम बिगिन। सो अपन लोग ने लास्ट सेशन में किया था डी तक, क्या है ये डी? अब अपने को पता है वो सब लैंग्वेज। सो यस यस गाइस यस, ये रहा, ओपन करता हूं मैं। सो देखो, एक अपन ने सुबह किया भाई, व्हाट एग्जैक्टली लास्ट सेशन में क्या था, व्हाट एग्जैक्टली इज एनपीवी। नाउ वी आर टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड। एनपीवी अपन लोग ने किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। क्या याद है सबको, एवरीबॉडी? यस सर, यस सर। ओके, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्सेप्ट करो, नेगेटिव हुआ तो रिजेक्ट करो, बात खत्म, फुली स्टॉप। ठीक है, ये उसका फॉर्मेट है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबी डी टी माइनस डेप्रिसिएशन, ईबी टी माइनस टैक्स, ईएटी प्लस डेप्रिसिएशन, कैश इनफ्लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? फिर ये एग्जाम्पल पढ़ा अपन लोग ने टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन के ऊपर, एंड देन द गेम बिगैन। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को एनपीवी का। फिर मैंने बताया कि बॉस रियल में मेन क्या है बाबूजी, मेन क्या है? मेन इज दिस कैपिटल बजटिंग यूजिंग रिस्क एनालिसिस। अब इसमें पहला है स्टैटिस्टिकल टेक्निक, कन्वेंशनल टेक्निक, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। इस स्टैटिस्टिकल टेक्निक में सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी अप्रोच, दूसरा है वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये भी क्लियर है? यस सर। चल लेट्स स्टार्ट ऑन दैट नोट विद द नेक्स्ट पार्ट। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट तक भी अपना हो गया था, तो डी तक हो गया था, ए बी सी डी। अब अपन लोग आ रहे हैं ई के ऊपर, विच इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। लेट्स स्टार्ट। वी आर डूइंग एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग, राइट गाइस? चलो, सो पॉइंट नंबर ई इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। आइए आइए आइए, लेट्स डू इट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, करें स्टार्ट। चलो, अब बहुत सिंपल है ये, मजाक नहीं करो, बहुत सिंपल है, एकदम इजी सा एक फॉर्मूला यूज करना है और उससे पूरा आंसर आ जाएगा। सो फॉर्मूला क्या है? इट इज सर्टेन कैश फ्लोस, सर्टेन कैश फ्लोस अपॉन रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट। रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट। अब सर्टेन कैश फ्लोज बोलो क्या आएगा यहां पे? ये सर्टेन कैश फ्लोज में यही है तुम्हारा मेन गेम चेंजर। दिस सर्टेन कैश फ्लोज इज अल्फा मल्टीप्लाई बाय रिस्की, या जिसको बोल सकते हैं अपन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, रिस्की स्लैश एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, रिस्की स्लैश एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्टेन कैश फ्लो अपॉन रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट, RFDR। अब ये रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट आपको गिवन होगा तो टेंशन ही नहीं है,
अरे ये तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन लोग डिस्काउंटिंग रेट करते हैं ना, डिवाइड, उसके लिए ये लोग ने वर्ड यूज कर दिया रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, सर्टेन कैश फ्लोज, तो रिस्की और एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा। अल्फा भी आपको गिवन होगा, अल्फा मतलब बेसिकली काइंड ऑफ योर प्रोबेबिलिटी कि भाई इतना हम लोग को मिलने ही वाला है, 101% हम लोग को इतना मिलने ही वाला है। सो एक होता है कि भाई कंफर्म कितना है, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, थोड़ा हम लोग ने उसमें बोलते हैं ना रिस्क एलिमेंट को भी इंक्लूड करके ये बताया कितना सर्टेन कैश फ्लोज होगा, वैसा करके। आओ देखते हैं एक सम। ठीक है, तो बस यही है यार, अब सम करेंगे इसका तो आप हंसेंगे, बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे, इतना सिंपल इतना सिंपल। यस, एंड हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। एवरीबॉडी आ जाइए, कुछ होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन किया है कि नहीं, नहीं किया है तो कर लेना टाइम निकाल के। यो भी आर, लेट्स स्टार्ट। इफ द प्रपोजल कॉस्ट रुपीज 45 लाख, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड रिस्क फ्री रेट इज 5%, रिस्क फ्री रेट इज 5%, कैलक्यूलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक, अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दिया है और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट दिया है, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं अल्फा। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मतलब हम लोग को कंफर्मेशन है कि यार इतना रिटर्न वो ले ही आएगा, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। समझ में आया? 0.9, 0.85, 0.82, 0.78। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पे सबसे पहले अपन लोग कैलकुलेट करेंगे सर्टेन कैश फ्लोज। एंड हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? अल्फा इंटू एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, ठीक है, अल्फा दिया हुआ है, 4 साल है अपने पास, 1, 2, 3, 4। अल्फा दिया हुआ है अपने को, क्या क्या दिया हुआ है देखो, 0.9, उसको प्यार से सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट CECB बोलते हैं, जस्ट टू टेल यू, 0.9, 0.85, 0.82, 0.78, 0.78 into expected cash flows, टेन लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो अपने को मिल जाएगा क्या? सर्टेन कैश फ्लोज, इसको अपन डिस्काउंट करेंगे, अपने को मिल जाएगा फाइनल आंसर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं, इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से करेंगे तो मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। 0.9 इंटू 10 लाख, 9 लाख,
15 लाख इंटू 0.85 12.75 20 इंटू 0.82 16.4 25 इंटू 0.78 19.5 डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में रिस्क फ्री रेट इज 5%. सो अपन यहां पे लिखेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर 5%. बोलो क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 1.05 0.9524 0.9527 0.864 0.823 and we will get present value of cash outflows. So eight point five seven, 12.75 into 0.9074, 11.56, 16.4 into 0.864, 14.17, 19.5 into 0.823, 16.05. चलो फाइनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल गया. लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के साथ, मिल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू 8.57, 11.56, 14.17, 16.05, 50.35 एंड कॉस्ट कितना है 45 माइनस 45, 5.35 इज माय नेट प्रेजेंट वैल्यू अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच. ऑल योर्स. है ना एकदम हल्का फुल्का, मजा आया, हो गया डन. चलो छाप.
हाँ भाई। तुम इतनी ना। चलो बढ़ेंगे आगे बेटा। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी एनालिसिस। एटलीस्ट थोड़ा दम तो है इस टेक्निक में, थोड़ा सा दम है, थोड़ा सा दम तो है इस टेक्निक में। अच्छा लगा ये क्वेश्चन आया, आई मीन ये कॉन्सेप्ट आया। देखो इधर नेक्स्ट कौन सा है, ए बी सी डी ई हो गया एफ। दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है बताओ। एक पॉइंट का इंपैक्ट, एक चीज का इंपैक्ट बाकी सबको कैसे इंपैक्ट करता है। नहीं समझे सर? सेल्स का इंपैक्ट एनपीवी को कैसे इंपैक्ट करता है, वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट एनपीवी को कैसे इंपैक्ट करता है, कैश आउटफ्लो का इंपैक्ट उसको कैसे इंपैक्ट करता है, एनपीवी को कैसे इंपैक्ट करता है। तो कोई भी एक एलिमेंट लो उसका इंपैक्ट, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इंपैक्ट द अदर वेरिएबल, राइट। तो सेल्स की वजह से क्या मेरा एनपीवी चेंज होगा, यस। सेल्स 40% से चेंज होगा तो क्या एनपीवी भी 40% से चेंज होगा, नहीं। तो सेल्स 40% से चेंज हो रहा है तो एनपीवी कितना चेंज होगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस बताएगा। समझे? समझे कि नहीं? बोलो रे, बोलते क्यों नहीं? बस दैट्स व्हाट सेंसिटिविटी। इंपैक्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल ऑन एनपीवी। एक एग्जांपल देते हैं, 2.5% एडवर्स वैरियंस सपोज 2.5% एडवर्स वैरियंस इन कैपिटल कॉस्ट दिया हुआ है, इन कैपिटल कॉस्ट दिया हुआ है तो क्या होगा। देखो सो कीप ऑल अदर फैक्टर्स सेम, एंड शो द इंपैक्ट ऑन एनपीवी ऑफ 2.5% चेंज इन कैपिटल कॉस्ट। ठीक है समझो। और एक, और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, से 5% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, 5% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, उसका इंपैक्ट क्या आएगा। कीप ऑल फैक्टर्स सेम, एंड शो, या कीप ऑल अदर फैक्टर्स सेम, शो द इंपैक्ट ऑफ फाइव परसेंट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑन नेट प्रेजेंट
प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे अपने को और क्लैरिटी आएगी गाइस। कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे आप? इजी क्वेश्चन नंबर 9 एवरीबॉडी। देख क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला काम, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, तो लिस्ट डाउन ऑल द थिंग्स दैट आर गिवन। पहले तो उसने पूछा कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ठीक है। दूसरा, कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑन प्रोजेक्ट्स एनपीवी कंसिडरिंग अ 2.5% एडवांस वेरियंस इन ईच वेरिएबल। इन ईच वेरिएबल रस्ते लग जाएंगे एक एक का करते करते, पर ठीक है। कंसिडर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एज 3 ईयर्स। चल तो क्वेश्चन दिया है अपने को, तो अपने हिसाब से प्रॉपरली पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। बोलो बोलो, चल चल, यस। चल लेट्स स्टार्ट ऑन दैट नोट। सबसे पहले कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लेट्स सी। सबसे पहले एनुअल यूनिट सेल्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इससे मुझे कैन आई से कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, करेक्ट। उसको मैं डिस्काउंट कर दूंगा 6% के रेट के हिसाब से, 3 साल तक माइनस कर दूंगा 400 करोड़ से, तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, करेक्ट। स्टार्ट करेंगे, आ जाओ। स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। अब और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो यही मेरे लिए नेट कैश फ्लो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोलो कितना है, 100, वेरिएबल कॉस्ट 50, मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 5 करोड़। सो तो ये आ जाता है, ज्यादा ही आ जाता है, 250 करोड़ है, और 50 करोड़, 250 करोड़ लेस 50 करोड़ का फिक्स्ड कॉस्ट, मिल जाएगा 200 करोड़, ठीक है। बस अब इसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करो। सो
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, योर 1, 2, 3, 4। पहला तो ये काम अपने को करना है, प्रेजेंट वैल्यू उसका फाइंड करना है। सो चार साल दिए हुए है, ओके, कैश इनफ्लो क्या क्या आ रहा है, 200 करोड़ ईयर वन का, 3 ही साल है भाई, 3 ही साल है, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। कैन आई से डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे अपन लोग, कितना डिस्काउंटिंग फैक्टर, कितना 6% दिया हुआ है, एट द रेट 6%, 1 डिवाइड बाय 1.06 इज 0.943 एंड मिल जाएगा अपने को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और एक पॉइंट एट फोर जीरो। सो 200 इंटू दिस 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 करते जाओ, बोलो कितना आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एवरीबॉडी। क्या ये आपका 534.6 crores आ रहा है? सो आई विल राइट यर 534.6 crores लेस 400 crores, 134.6 crores, ऑल योर्स। ये तो फर्स्ट पार्ट था एनपीवी, इसमें तो अभी तक कुछ अपन लोग ने किया नहीं है सेंसिटिविटी एनालिसिस, फ्रेंकली कुछ इजी था ये तो, ठीक है पता है। नाउ कम्स द मेन पार्ट एंड दैट इज द सेंसिटिविटी। अब बोलो क्या बोल रहे हैं कि कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन प्रोजेक्ट्स एनपीवी कंसिडरिंग अ 2.5% एडवांस एडवर्स वेरिएंस इन ईच वेरिएबल, कॉस्ट भी गया। देखो तो इसमें कैसा रहता है, एक फैक्टर को पकड़ोगे बाकी सब विल रिमेन सेम, दूसरे फैक्टर को पकड़ोगे बाकी सब विल रिमेन सेम, तीसरे फैक्टर को पकड़ोगे बाकी सब विल रिमेन सेम, चौथे फैक्टर को पकड़ोगे बाकी सब विल रिमेन सेम। बस यही करना है अपने को, यही गेम खेलना है, ठीक है आओ। सो फर्स्ट सेंसिटिविटी एनालिसिस, पब्लिक बोल रहा है हमारा एनपीवी भी कैलकुलेशन बाकी है तो करो फटाफट यार, सो रहे हो क्या, करो फटाफट, 2 मिनट दे रहा हूं, इंटर का गेम है ये तो, चलो डन होता है तो बोलो। हाँ भाई हुआ, चल स्टार्ट, ओके डन बोल दिया पब्लिक ने। सो सेंसिटिविटी एनालिसिस, कंसीडरिंग टू पॉइंट फाइव परसेंट एडवर्स वेरिएंस इन ईच वेरिएबल, करें स्टार्ट। सो देखो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अच्छी तरह से समझेगा। अब देखो कैसे अपन लोग ने कैलकुलेट किया है यहां पे, तुम लोग नोट करोगे ना, तो जो मेरा इनफ्लो आ रहा है वो तीनों में सेम ही आ रहा है, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को इंडिविजुअली करूं उससे अच्छा प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर कर दूंगा, ठीक है। अब देखना यहां पे मैं क्या करूंगा, क्या क्या चीजें इंपैक्टफुल है, सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर
ऑफ यूनिट्स टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट नेट कैश फ्लो इंटू प्रेसेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर टोटल प्रेसेंट वैल्यू कैश इनफ्लो लेस कैश आउटफ्लो एंड फाइनली अपने को मिल जाएगा एनपीवी। फाइनली अपने को मिल जाएगा एनपीवी। अब ये फॉर्मेट तो फिक्स्ड है, बस अब अपने को अलग 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 जो भी चेंजेस हो रही है उसका एक एक अपन कॉलम बनाते जाते। नहीं समझे, दो मिनट में बताता हूं, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो कितने आइटम्स है अपने पास, कभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो चेंज हो गया तो ठीक है, दूसरा सेलिंग प्राइस चेंज हो गया तो, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया तो, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो गया तो, नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो गया तो। देखो ना इधर ही तुम लोग के पास जो सब वेरिएबल्स है वो देख लो ना, इधर ही खुद ही निकाल लो कितने इंपैक्टफुल वेरिएबल्स है। देखो कैपिटल कॉस्ट चेंज हो गया तो, सेल्स यूनिट्स चेंज हो गया तो, सेलिंग प्राइस चेंज हो गया तो, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया तो, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो गया तो, पांच इंपैक्ट। समझे खोपड़ी, समझे कि नहीं? एक दो तीन चार चल। सो अब एक एक को देखते जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है? कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ होगा। चलो एक एक एलिमेंट को पहले इधर इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट एवरी एलिमेंट बाय 2.5% एडवर्स वराइज। पहला है उसमें मेरा कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, सो देखो मेरा कितना था, मेरा कैपिटल कॉस्ट कितना है, 400 करोड़। 400 करोड़ का मेरा कैपिटल कॉस्ट है, 2.5% एडवर्स वेरिएंस है। सो कॉस्ट में एडवर्स वेरिएंस होता है कॉस्ट का बढ़ना, 410 करोड़। सेकेंड इंपैक्ट ये वन हुआ। दूसरा चले सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100। नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अ सेलिंग प्राइस इज लेस करना 2.5%, 97.5 होता है। थर्ड
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50 है, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट का बढ़ना, तो कितना बढ़ता है, +2.5%, 51.25. नेक्स्ट, फोर्थ, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट, एडवर्स वेरिएंस इन अ फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का बढ़ना, तो 50 से बढ़ जाएगा कितना, 2.5%, 51.25. लास्ट, यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड का एडवर्स वेरिएंस यानी कम बिकना, 5 करोड़ था, लेस 2.5%. बोलो, फोर करोड़ 87,50,000, बोले तो चकास। करें स्टार्ट, चलो सबसे पहला है कैपिटल कॉस्ट, क्या सीन है कैपिटल कॉस्ट का, देखो कैन आई से 2.5% से बढ़ गया है, हाँ ये लिख लो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर विल नेवर चेंज, लिख लो इधर फटाफट,
चलो देखते हैं पब्लिक का कुछ ट्राई किया है। वेरी गुड प्रियल जी, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। कैपिटल कॉस्ट वेरी गुड यार, वेरी गुड, ऑल फाइव डन, ग्रेट। तो यही तो चाहिए यार तुम्हारे से, इतना होशियार बच्चे हैं देखो, वेरी स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल्स। चलो एक एक करके अभी फटाफट इसको निपटाते हैं यार, टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में। हाँ भाई, सबसे पहला कैपिटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 410 करोड़। देखो अपन लोग ने सिस्टम सेट किया हुआ है ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट, ट्रस्ट मी दैट इज द बेस्ट पार्ट। अब सेलिंग प्राइस नो चेंज, वेरिएबल कॉस्ट नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, इसमें भी नो चेंज। हाँ 6% 3 ईयर्स कितना होता है, इसको है ना अपन सीधा भी निकाल सकते हैं, 6% 3 ईयर्स PVAF। टू पॉइंट सिक्स सेवन थ्री, सो 2.673 इंटू 200, 534 चेंज आया है कैश आउटफ्लो में, 410 करोड़। ये हो जाता है 124.60, समझे क्या हीरो। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस 97.5, नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव, 50, 47.5, 50 crores, 2375, 50, 187.5, 2.673, 501.19, 410, 91.19, डन। बस अब ऐसे ही करते जाना यार,
एक मिस्टेक हो गया, सॉरी हाँ, 400 ये 400 ही रहेगा भाई, तो जिस जिस में भी चेंज हो रहा है वो देखते रहते, तो ये 101.19 हो जाएगा। सॉरी हाँ, सो इसमें क्या चेंज हुआ है 97.5, इसमें क्या चेंज हुआ है 410। ऐसे करके एक 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 चीज अपने को करते जाना है। 400 ही आएगा, माय मिस्टेक है ना, सॉरी। चलो थर्ड, थर्ड क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो हो गया। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 51.25, हंड्रेड 51.25, 48.75 इंटू 50 करोड़, 243.75, 50 माइनस 238.75। सॉरी, तुम लोग कर लेना यार इतना जो बचा है, 193.75 इंटू 2.673, 517.89 माइनस 400, 117.89, 117.89 डन। बस ऐसे ही। अब अपने को खाली यहां पे मैं तुम लोग को बता देता हूं कि क्या हो रहा है। सुनो, सो फर्स्ट केस में 124 पॉइंट, पहले देखो पहले लिख देते, ओरिजिनल ओरिजिनल था 134.6, केस वन में आया 124.6, तो कितना चेंज हुआ है। सो कैन आई से 124.6 हो गया माइनस 134.6 अपॉन, था पहले 134.6, तो कितना चेंज हुआ है देखो, इट इज 7.43%। ठीक है, केस टू, केस टू क्या है, 101.19 और खराब, अब सब एडवर्स है। अब देखो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, 2.5% चेंज ऑन वन हैज रिजल्टेड इन टू सो मच चेंज इन दी अदर। चलो इसका क्या आएगा, 101.19 माइनस 134.6 डिवाइड बाय 134.6, ट्वेंटी फोर पॉइंट एट टू परसेंट। ऐसे करते 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 सब आ जाएंगे। गाइस समझ गुड़ू, बाकी का यस आपके ऊपर, अब तुम्हारे हवाले, ये सम साथियों कर पाओगे कुछ से, डन कर चुके हो तुम लोग तो, वेरी नाइस। 3 है, 4 है, 5 है, वो तो क्वेश्चन देख के भी तुम, मतलब बुक में देख के भी समझ जाएगा। चलो डन डील, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिनारियो एनालिसिस। तो ए बी सी डी ई हो गया है अपना आई गेस, एफ हो गया है, जी अभी, जी 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 अब जी सिनारियो एनालिसिस। आओ, 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 टेस्ट करें। चलो सिनेरियो एनालिसिस में क्या होता है देखो,
यहां पे डिसीजन इज बेस्ड ऑन वेरियस सिनारियोज, जैसे कि वर्स्ट केस, मोस्ट लाइकली, बेस्ट केस एटसेट्रा। सो ऐसे अलग 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 सिनारियोज बनते हैं और उस सिनारियोज के बेसिस पे अपने को डिसीजन लेना होता है, ठीक है। सो आ जाओ, अगेन सेम इजी है, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, देखो तीन केसेस है, वर्स्ट केस, मोस्ट लाइकली, बेस्ट केस, तो अलग अलग केसेस को इवैल्यूएट करना है। सो इवैल्यूएशन ऑफ अबव केसेस इज टू बी डन, लिख लो, नहीं लिखा है तो लिख लो। चल चालीस, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वाला देखो, अभी क्वेश्चन देखो, आई मीन सॉरी, ये अपने इनिशियल आउटले है 14 लाख का, 3 कैश इनफ्लोज, 450, 550, 650, 400, 450, 500, 700, 800, 900, अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%, डिटरमाइन एनपीवी इन ईच सिनेरियो, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। Is XYZ Limited is certain about the most likely result in the first 2 years, but uncertain about the third year's cash flow. Analyze what will be the NPV expecting worst scenario in the third year. समझे? तो ऐसे ये लोग खेलते हैं इसमें. Very nice, very easy. आओ, सबसे पहले अपने को क्या find out करना है? तीनों scenarios का solution. So question number 10. ठीक है? So we will say सबसे पहले अपने को find out करना है present value based on कैश इन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर ऑल थ्री केसेस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर ऑल केसेस। क्या क्या है मेरे पास केसेस? ईयर 0, 1, 2, 3, 0 ईयर 1, 2, 3, फिर पहला है वर्स्ट केस, उसमें कैश फ्लोज में 3 आएंगे, 450, 400, 700। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? एट द रेट 9%। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 9%। 1 divided by 1.09, 0.917, 0.942, 0.772, ठीक है।
तो इसका मुझे मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब ये हुआ एक, ऐसे ही आपको मुझे कैलकुलेट करके देना है बाकी दो। बाकी दो का है मोस्ट लाइकली, चलो अब भी का भी कैलकुलेट करके दो। तीसरा है बेस्ट केस, फटाफट तीनों केसेस फाइंड आउट करके दो, चल जल्दी। क्या क्या क्या? सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बताओ क्या आएगा वर्स्ट केस का? -110.15। चलो लिख देते हैं भाई, जो आया है वो आया है। मोस्ट लाइकली का 100.85 पर पॉजिटिव, तीसरे का 311.85 पर पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब क्या बोला है, एनपीवी फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के लिए ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री। ईयर वन क्या बोला है, मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन फर्स्ट टू इयर्स, मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन फर्स्ट टू इयर्स। सो मोस्ट लाइकली, और तीसरा वर्स्ट इन थर्ड, वर्स्ट थर्ड का वर्स्ट। चलो अब मोस्ट लाइकली का ईयर वन 550 अपने को लेने का, 550। ईयर टू 450 अपने को लेने का, 450। वर्स्ट 700 अपने को लेने का, 700। सिंपल है भाई, इनटू 1 डिवाइड बाय 1.09 रेस टू 1, 1 डिवाइड बाय 1.09 रेस टू 2, 1 डिवाइड बाय 1.09 रेस टू 3, एंड फाइनली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे, मिल जाएगा अपने को नेट प्रेजेंट वैल्यू। बोलो कितना, जो भी आएगा अभी आपका। मेथड कंप्लीट, सम कंप्लीट, टिंग टिंग टिंग, सही है ना, सही जा रहा है, एक नंबर, शाबाशी। चल डन, ओके सर छुट्टी, ओके छुट्टी, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस, बाय बाय, मिलते हैं कल मॉर्निंग में एंड कंटिन्यू करते हैं इस सेशन। चलो भाई बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो अर्ली मॉर्निंग। चलो अर्ली मॉर्निंग मिलते हैं कल, बाय बाय, 6 बजे। अच्छा कुछ डाउट है किसी को? सर एनपीवी का अंडर टू मोस्ट लाइकली क्यू? अरे बब्बा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में लिखा है, प्लीज रीड कीजिए क्वेश्चन मनीषा जी, मनीषा जी ये देखिए, इफ एक्स वाई जेड इज सर्टेन अबाउट मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन फर्स्ट टू इयर्स,
मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन फर्स्ट टू ईयर्स, फर्स्ट टू ईयर्स, फर्स्ट टू ईयर्स, दैट इज वाई. ओके मनीषा जी, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हास्ता ला विस्ता, कल मिलते हैं, सी यू.